बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चना चाट और दही बल्ले में डाले जाने वाली पापड़ी की बहुत ही इजी रेसिपी। और इस रेसिपी की खास बात यह कि इसे हम तैयार करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, साफ सुथरे इंग्रेडिएंट्स के साथ और साफ सुथरे हाथों से और साफ सुथरे किचन में। और इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ट्राई करके बाजार की जो पापड़ी है वो भूल जाएंगे और आज से पापड़ी घर पर बनाने लग जाएंगे। चलिए बिना वक्त जाया किए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे एक कप हमारे पास मैदा है। मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लिया हुआ था और अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हमारे पास अजवाइन है, अजवाइन को ऐड करेंगे। अगर आप लोग अजवाइन पसंद नहीं करते हैं आप लोग साबुत जीरा भी ऐड कर दीजिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हमारे पास नमक है, नमक को ऐड करेंगे। नमक को ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसमें डालेंगे घी, 1/3 कप हमने घी लिया है। आप लोग कोशिश करिएगा कि घी ही ऐड करें, कुकिंग ऑयल से ये इतने ज्यादा क्रिस्पी नहीं तैयार होंगी। घी आप लोगों ने इसमें बहुत जरूरी से ऐड करना है। और अब हम इसे चम्मच से पहले अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब यहाँ पर इस चम्मच को साफ करके इसे हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये स्टेप आप लोगों ने जरूर करना है। ये देखें यहाँ पर घी को अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स कर दिया हुआ है। और अब यहाँ पर हमने नीम गर्म पानी लिया है और इसकी हम हल्का हल्का सा पानी डाल के इसकी डो तैयार कर लेंगे। पानी जो है वो आपने एक ही दफा में बहुत ज्यादा ऐड बिल्कुल भी नहीं करना। हल्का हल्का सा पानी डालते हुए इसकी हमने एक डो तैयार कर लेनी है। और यहाँ पर ख्याल रहे कि डो जो है वो थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए, मतलब हार्ड होनी चाहिए इसकी डो। ये देखिए माशाल्लाह से डो जो है हमारी वो रेडी है। और अब हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इसे हम यहाँ पर 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। ये लीजिए यहाँ पर मैदे को हो चुके हैं 10 मिनट इसको रेस्ट पे रखे हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जबरदस्त सा सेट हो चुका है। और अब हम पापड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हाफ इसमें से आटा ले लेंगे और इसका यहाँ पर हम सबसे पहले पेड़ा बना लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको अपने हाथों में प्रेस करते जाना है। यहाँ पर पापड़ी के अच्छे बनने की निशानी ये है कि आप लोगों की जो डो है वो बहुत जबरदस्त सी तैयार होनी चाहिए, उससे जो पापड़ी है वो बहुत जबरदस्त तैयार होगी। ये देखिए पेड़ा हमने रेडी कर लिया है और अब यहाँ पर हम इसे बेल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपने हाथों से इसकी छोटी सी एक रोटी बना लेंगे और साथ ही हम नीचे थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे और इसे जबरदस्त सा हम बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। और यहाँ पर आप लोगों ने इस रोटी को बहुत बारीक बेलना है। ये ले जी यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी सी रोटी हमने बेल ली है और आप देख सकते हैं कितनी बारीक सी हमने रोटी बेली है। बहुत ज्यादा मोटा आपने इसको बिल्कुल भी नहीं रखना। और एक इस तरह का हम एक कुकी कटर लेंगे, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक गिलास की मदद से भी इसको कर लीजिएगा और ऊपर रख के हम इसे अच्छी तरह से दबा देंगे, बहुत जबरदस्त ये कट जाएगा। ये देखिए इसी तरह से हम सारे कट करते जाएंगे। इसी दौरान मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप लोगों की मोहब्बत होगी, प्यार होगा, खलूस होगा, चाहत होगी जो हमें दोबारा से खींच लाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, उससे होगा ये कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से थैंक यू सो मच। नवाजिश है जी आपकी, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको रेड कलर का बटन नजर आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप लोग ग्रे कर दें। ये ले जी कुकी कटर से हमने इतनी खूबसूरती से इसे कट कर लिया है और जो बाकी का मैदा है उसे हम यहाँ से हटा लेंगे और इसे हम जाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दोबारा से हम इसको बेल के और इस तरह की पापड़ी तैयार कर लेंगे। ये ले जी कुछ पापड़ियों को हमने बना के रेडी कर लिया है और चलते हैं अब हम आगे के प्रोसेस में।
यलन जी, यहाँ पर आप देखिए जबरदस्त सी पापड़िया जो है वो हमने बेल ली हुई हैं, और अब हम एक फोग लेंगे और अच्छी तरह से इसको प्रेस कर देंगे। कोई भी जगह आपने इसकी खाली नहीं रहने देनी। ये स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है पापड़ियों को बनाने के लिए। देखिए कितनी खूबसूरती से फोग से हमने इसको तैयार कर लिया हुआ है। और चलते हैं अब हम आगे के प्रोसेस में। और दूसरी तरफ गैस पे हम रख देंगे एक कढ़ाई, और इसमें हम डालेंगे 2 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो है वो यहाँ पर नॉर्मल गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म कुकिंग ऑयल में आप लोगों ने इनको बिल्कुल भी नहीं डालना। और साथ ही हम इसमें डालते जाएंगे ये जो पापड़ियां जिनको हमने तैयार करके रखा हुआ था। आपको बबल से अंदाजा हो रहा होगा कि कुकिंग ऑयल कितना सा गर्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फूल बिल्कुल भी नहीं रही, क्योंकि हमने इसे ठंडे कुकिंग ऑयल में डाला है। अगर हम लोग गर्म कुकिंग ऑयल में डाल देते तो ये फूल जानी थी, बिल्कुल गोलगप्पा टाइप बन जानी थी। अब हम चूल्हे का जो फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे और इसके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन कलर लेके आएंगे। ये ले जी, यहाँ पर 3 से 4 मिनट हमने इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है, और आप देख सकते हैं जबरदस्त सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आ चुका है। इससे डार्क कलर आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं देना, जस्ट लाइट कलर में ही हम इसको निकाल लेंगे कुकिंग ऑयल में से। और अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ और आप लोगों को तोड़ के दिखाते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी बनके तैयार हुई हैं। तो ये लीजिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह दही बलिया और चना चाट की जो पापड़ी है वो बनके रेडी हो चुकी है। आप लोग इसे रमजानुल मुबारक से पहले इस बना के सेव रख सकते हैं। इसे पूरा रमजानुल मुबारक का महीना आप लोग दही बलियों में डाल के इंजॉय कीजिएगा। ये बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होती हैं। जरूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखना है। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही आप हमारे साथ साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।